Now, student, we are moving to the next chapter in the In Your Palm section, Sonnet Composed Upon Westminster Bridge. Number 1, MCQs number 1. Upon Westminster Bridge, number 1, the poem Sonnet Composed Upon Westminster Bridge is written by William Wordsworth. Number 2, Sonnet Composed Upon Westminster Bridge is a sonnet. ठीक है? इसे सोनेट कहते हैं. द पॉम सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन डैश. कब ये लिखी गई है ये नज़म जो है? तो ये सितंबर 3, 1802 में लिखी गई है. नंबर 4, अ सोनेट इज अ पॉम विच कंटेन्स डैश. सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं? तो 14 लाइंस होती हैं सोनेट में. द फर्स्ट 8 लाइंस इज अ सोनेट आर कॉल्ड एज. 8 लाइंस जिसमें होती हैं वो ऑक्टेव कहलाता है. नंबर 6, The last 6 lines in a sonnet are called sestet, जिसमें आखिरी की जो 6 लाइनें होती हैं सोनेट में ये sestet कहलाता है. 7 में William Wordsworth called the view more fair on earth in the poem sonnet composed upon Westminster Bridge. किसका जिक्र किया गया है? नंबर 7 का आंसर है सी, द ब्यूटी ऑफ लंदन. 8, William Wordsworth called a person dull who ignores such a beautiful view. विलियम वर्ड्सवर्थ के मुताबिक वो शख्स बेहिस है जो कि द सिटी ऑफ लंदन की खूबसूरती को महसूस ना कर सके. तो आंसर सिटी ऑफ लंदन होगा. 9, विलियम वर्ड्सवर्थ ओवरलुक द सिटी ऑफ लंदन फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग. सुबह का वक्त जो होता है वो बहुत शानदार वक्त होता है यहाँ का. नंबर 10, अकॉर्डिंग टू पोएट द सिटी ऑफ लंदन वॉज सीम टू बी क्लॉट विद डैश द ड्रॉप्स ऑफ ड्यू. यानी कि जो शबनम गिरती है क्या शानदार मंजर होता है इन द मॉर्निंग. 11, विलियम वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्व्ड इन द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज द साइलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे अहम जो सुबह की खामोशी होती है, कूल एंड काम एटमॉस्फेयर, सी सही होगा. 12, विलियम वर्ड्सवर्थ ओवरलुक फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज द शिप्स डूम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स. वहाँ वेस्टमिंस्टर ब्रिज के पास शिप्स थी, डूम्स और थिएटर्स मौजूद थे और टेम्पल्स, गिरजाघर मौजूद थे यहाँ पर. नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल थिंग्स वर ब्राइट एंड ग्लिटरिंग ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग इन द डैश स्मोकलेस एयर. यानी कि यहाँ की जो हवा थी वो स्मोकलेस थी, किसी किस्म की आलूदगी नहीं थी. 14, अकॉर्डिंग टू द पोएट ही नेवर सा एंड नेवर फेल्ट बिफोर द ब्यूटिफुल साइट ऑफ द डैश सनराइजिंग. आंसर होगा कि शायर के मुताबिक जो है कौन सी चीज वो भूलता नहीं है और देखा नहीं उसने. 15, अकॉर्डिंग टू द पोएट सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इट वॉज फ्लोइंग स्मूथली एंड इट इज ओन विल डैश द रिवर थेम्स. यानी कि जो दरिया अपने मर्जी के मुताबिक बहता है क्योंकि नेचुरल ब्यूटी थी इसकी, तो यहां पर द रिवर थेम्स के बारे में बात की गई है. 16, वॉट डज माइटी हार्ट मीन इन द पॉम सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज. माइटी हार्ट से क्या मुराद है यहाँ पर? तो याद रखें माइटी हार्ट से मुराद सी आंसर आपके पास सही होगा और वो लंदन है. सो नाउ स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर.